या देख लो एलन ऑनलाइन का बच्चा है जई एडवांस में रैंक 69 लाया है नीट में 720 में 705 लाया है और वेस्ट बंगाल जो बोर्ड एग्जाम होता है ट्वेल्थ का उसमें टॉप मारा है तो भाई गजब कर दो यार आप सर एलन ऐसा क्या छुप छुप के कर रहा है ऑनलाइन में सर आप बताते नहीं हो मुझे छुप छुप के करने की कोई बात ही नहीं है जो भी करते हैं डे की चोट पे करते हैं लेकिन हाँ। आज के दिन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ठीक है एलन ऑनलाइन आपने क्यों चूज किया आपको ऐसा क्या अच्छा लगा हेलो एवरीबॉडी तो एलन का भाई इस बार जे एडवांस का रिजल्ट आने के बाद एल ऑनलाइन से भी एक बच्चे का रैंक ऑल इंडिया 69 आया है तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है और हमारे साथ गौरव तलवार सर भी जुड़ रहे हैं सर वेलकम टू माय चैनल थैंक यू सर सर और सबसे पहले तो भाई बच्चे के बारे में जानते हैं आपका क्या नाम है अभिक दास कहाँ से हैं आप वेस्ट बंगाल से हो तो भाई आज आपको पूरा जानने को मिलेगा कि भाई एलन ऑनलाइन से किस तरीके से पढ़ाया गया कि भाई बच्चों का इतना तगड़ा रिस्पॉन्स मतलब कि इतना तगड़ा रिजल्ट आया ऑल इंडिया रैंक सिक्सटी मतलब कि बहुत बड़ी बात होती है एलन ऑनलाइन के बारे में कई बार आपको पता नहीं होता लेकिन इस बार आपको पूरा पता चलेगा पूरा आप अवेयर हो जाएंगे कि भाई एलन ऑनलाइन में भी नेक्स्ट लेवल काम कर रहा है राइट सर बिल्कुल और एलन का जो ऑल इंडिया रैंक सिक्सटी है इसके साथ कुछ और सरप्राइज भी है वो भी मैं आपको बताऊँगा राइट सो स्टे कनेक्टेड वॉच पूरा वीडियो तो हम एक फ्लोर पे आ चुके हैं यही एलन ऑनलाइन जो बिल्डिंग है यहाँ पे एलन की जहाँ पे सारी ऑनलाइन के लिए आप देख पाओगे पहले पहले वीडियो बनाया था कि किस तरीके से यहाँ से क्लासेस वगैरह चलती है तो हम एक फ्लोर पे आए हैं इन्हें बताने के लिए आप जानते हो किस तरीके से यहाँ पे टीचर वगैरह मेहनत करते हैं आपके लिए पहले आप अपने जब पढ़ते थे तो सोचा था कि बैकेंड में कितने टीचर्स किस तरीके से हमारे लिए मेहनत करते होंगे हाँ टीचर्स तो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अब यहाँ आके एक फील हो रहा है क्योंकि घर में बैठकर पूरा सा अंडरस्टैंड नहीं हो पाता था कि टीचर्स हमारे लिए कितना हार्डवर्क करते हैं यहाँ आके सब क्लियर हो रहा है तो आज ये भी घूम रहे हैं ये भी देख रहे हैं इन्होंने जब ऑनलाइन पढ़ रहे थे तो इनको नहीं पता था कि भाई इतना मेहनत किया जा रहा है पीछे में टीचर्स इतना लगे हुए हैं तो आ, सर से मैं जानना चाहूँगा जी सर से सर कई बार ऑनलाइन को लेके सोचते हैं कि भाई एलन ऑनलाइन में क्या कर रहा है आज आपके सामने एक रिज़ल्ट करें और अच्छा ये आ, कोई भी कहीं पे भी ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़े नहीं है ये प्योर एल ऑनलाइन के स्टूडेंट है राइट यस राइट ठीक है तो इस पर आप सर क्या कहना चाहेंगे एलेन ऑनलाइन में स्टूडेंट्स का इस बार का रिस्पॉन्स कैसा रहा ओवरऑल क्या, क्या बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है बहुत खुशी की बात है हमारे लिए गर्व की बात है हालांकि ये तय है कि एलन शुरू से ही एक ही मोटिव के साथ चलता है कि एकेडमिक्स चाहे तरीका कोई भी हो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो एकेडमिक्स हम बेस्ट प्रोवाइड करेंगे बच्चे को लेकिन ऑनलाइन के साथ अच्छी बात यह होती है ना कि जब टेक्नोलॉजी भी बेस्ट मिल जाती है तो बच्चे के लिए जो लर्निंग आउटकम्स हैं वहाँ तक पहुँचना बड़ा आसान हो जाता है और उसका जीता जाता एग्जाम्पल है हमारे लिए अबिक ठीक है तो अच्छा अभी की एक बहुत ही स्पेशल बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका आई टी जे मतलब जे एडवांस जो है वो तो क्लियर हो ही चुका है और उसके साथ साथ ये नीट में भी टॉप मारे हैं क्योंकि <laughs> yes. नीट भी इनका क्लियर है भाई नीट का एग्जाम और नीट में इनका कितना बता रहे थे से, आप सेवन हंड्रेड फाइव आउट ऑफ सेवन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन हंड्रेड फाइव आपको आए hmm, तो वो इस स्था बार स्था। वो ग्रेस मार्क्स वाला था वो उसके साथ आपके नंबर बड़े नहीं विदाउट ग्रेस मार्क्स अच्छा विदाउट ग्रेस मार्क्स विदाउट ग्रेस मार्क्स सात सौ पांच सात सौ बीस में से भाई hmm. देख लो इससे पहले मैंने सुना था एलेन से एक स्तुति खंडाला जो एक स्टूडेंट yes, थी yes. जो जिनका एडवांस और नीट दोनों नीट, में हुआ था और, और में था। एक स्टूडेंट ये एक, है और ऐसा बच्चा जिसने आईआईटी में टॉप हंड्रेड में रैंक लाई हो वो भी सिक्सटी और उसका नीट में इतना अच्छा स्कोर आया हो ऐसा कभी नहीं देखा गया

इतना तगड़ा कमाल कर दिखाया जो कि ऑनलाइन में लोग सोचते हैं कि भाई हो क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा तो आपको क्या लगता है टीचर्स वगैरह कैसे मिले थे आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे मिले थे और बहुत ही हेल्पफुल टीचर्स मिले जिन्हों उन्होंने बहुत ही हाई क्वालिटी टीचिंग दी हमें हमको और सिर्फ वही नहीं जो मटेरियल दिया वो बहुत हाई क्वालिटी का था जो डाउट्स थे वो बिना हिजिटेशन के हमने पूछे जिसके लिए आज ये संभव हुआ जैसे कि क्या है कि आज के दिन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ठीक है एलन ऑनलाइन आपने क्यों चूज किया आपको ऐसा क्या अच्छा लगा क्या आप पहले से एलन के स्टूडेंट रहे हैं आप अवेयर थे या एलन ऑनलाइन चूज करने का रीज़न क्या था नहीं पहले तो मैं किसी भी कोचिंग से जुड़ा हुआ नहीं था जब मैं क्लास एलेवेंथ में था तब मैंने डिसाइड किया कि जेई और नीट में अच्छा करने के लिए एक रेपुटेड ऑल इंडिया कोचिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहना बहुत इम्पोर्टेंट है और क्योंकि मैं होम में थक कर होम में रहकर ही पढ़ाई करना चाहता था तो इसीलिए और मैं इसीलिए मैंने ऑनलाइन पे ज़्यादा जोर दिया ऑफलाइन के वजह में और इसके बाद मैं मैंने इंटरनेट में स्टडी की जो पास्ट फ्यू इयर्स में जेई और नीट में कौन से कोचिंग प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा रैंक आता है और किसका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा है तो उसमें यही पता चला कि एल का ही सबसे ज़्यादा है इस इसलिए ही मैंने एल ऑनलाइन चूज़ किया सर एलन ऐसा क्या छुप छुप के कर रहा है ऑनलाइन में सर आप सर, नहीं छुप छुप क्या करने की कोई बात ही नहीं है <laughs> जो भी करते हैं डंके की चोट पे करते हैं लेकिन हाँ आर सर की एक बात जरूर हम देखते हैं हाँ। कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए और नॉट ओनली अविक ओवरऑल हमारा जो एलन का इस बार का रिजल्ट रहा है चाहे नीट में हो चाहे जे एडवांस में हो बहुत शानदार है अविक के साथ साथ में हमारे दो और बच्चे हैं एक बच्चा है मयूख जिसकी 161 रैंक आई है और एक बच्चा है हमारा गर्व जिसकी 163 रैंक आई है जे एडवांस के अंदर तो बस कुल मिला एक ही मोटिव है इनकी एकेडमिक्स पे काम किया जाए टेक्नोलॉजी की हेल्प से इनको ऐसे फीचर्स दिए जाए जो वाकई में बच्चे की एकेडमिक ग्रोथ में मीनिंगफुल हो। सर जैसा कि एलन का एडवांस में रैंक वन आया और ऑनलाइन से 69 69, है। yes. तो आपके अकॉर्डिंग बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बीच में क्योंकि अब तो एक बड़ा बच्चों के लिए ऑनलाइन भी एक बड़ा मीडियम होते जा रहे हैं बिल्कुल तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों तो जो कन्फ्यूज हैं इसके बीच में करेक्ट कि क्या करा जाए कई बार ऐसा जो बच्चे रीचेबल नहीं हो पाते जिनके सिटी में अगर एलन अवेलेबल नहीं है तो उनके लिए बड़ा ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है समझ सकता हूँ मेरा ये मानना है और ऐसा हमारा एलन पर मानना है कि एलन में हम ऑफलाइन या ऑनलाइन ये डिसीजन हमेशा बच्चे पर छोड़ते हैं इंपॉर्टेंट ये है कि जो अकेडमिक्स ऑफलाइन वाले बच्चे को मिल रही है वही एकेडमिक ऑनलाइन वाले बच्चे को मिल रही है जो एप्लीकेशन जो हमारी ऐप है एल एन ऐप वो जो ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे को मिल रही है वही ऑफलाइन और वो वही जो ऐप है वो ऑनलाइन बच्चे को मिल रही है दी ओनली थिंग इज़ कि अगर बच्चा चाहता है कि मैं अपने घर के कम्फर्ट से पढ़ूँ पेरेंट्स का सपोर्ट पेरेंट का गाइडेंस भी मेरे साथ चलता रहे तो ऐसे बच्चे डेफिनेटली ऑनलाइन को चूज कर रहे हैं बिकॉज वन ऑफ दैम और ये पक्की बात है कि अगर ऑनलाइन के साथ वो जुड़ते हैं तो किस तरह का रिजल्ट आने वाला है उनका क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक संशय जरूर रहता है ये तो समझ में आता है कि हम घर से भी तैयारी कर लेंगे एलन का साथ भी मिल जाएगा रिजल्ट आएगा कि नहीं ये एक प्रश्न चिन्ह रहता है जिसका जवाब आई एम वेरी श्योर अब नीट के और जे एडवांस के रिजल्ट के साथ एलन ने दे दिया तो अभी आप वेस्ट बंगाल में कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल के एकदम नॉर्थ से सिलीगुड़ी के करीब अलीपुर दुआ टाउन से मैं बिलोंग करता हूँ अच्छा तो जब आप एलन ऑनलाइन चूज करें जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई तो टीचर्स आपको सारे सब्जेक्ट में कैसे कैसे मिले आपको लग रहा था कि यार ये अच्छा पढ़ा रहे हैं राइट मैंने ये चूज करा और ये वर्थी थे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि कॉन्फिडेंट हो पाते थे ऑफ कोर्स और जो uh, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट में ही हमारे टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे तीनों सब्जेक्ट समझ में समझने में uh, बहुत हेल्प की उन्होंने इसीलिए ये संभव हो पाया और uh, सिर्फ ये ही नहीं सिर्फ पढ़ाई ही नहीं दे आल्सो मोटिवेटेड अस वेरी मच एंड फॉर एग्जांपल ऑल माय टीच ऑल द टीचर्स ऑफ एलन मोटिवेटेड मी टू ट्राई हार्ड फॉर अ डबल डिजिट रैंक एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दैट हैज़ बिकम ए रियलिटी सर जैसे कि ऑनलाइन में एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि सेल्फ़ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स का नहीं तो ऑफ़लाइन में तो एक होता है कि टीचर डांट सकता है अरे ये मत करो वो मत करो ये, ये। ये। पर ऑनलाइन में सेल्फ़ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल तो इससे रिलेटेड सवाल मेरा आपसे भी है और इनसे भी है आपसे ये है कि आ, ये मेंटेन करवाने के लिए बच्चों को और थोड़ा सीरियस बनाने के लिए ताकि वो पढ़ाई से और लगाव रख सकें क्या करते थे और आपसे भी सवाल रहेगा कि आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे या सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखते थे सर पहले तो इसमें क्या है सर दो बातें होती हैं एकेडमिक्स के साथ ना अगर प्रॉपर प्लानिंग बच्चे को दे दी जाए तो अपने आप उसको पता होता है कि मेरा टारगेट क्या है आज जो कुछ पढ़ाया गया है उसके लिए रिवीजन नोट्स बच्चे को मिलते हैं डाउट्स जिसको उसको रिवाइज़ करना है कल क्लास आने से पहले उसके लिए उसको होमवर्क दिया जाता है जिसको उसको सबमिट करना है कल क्लास आने से पहले और एक डाउट फोरम भी दिया जाता है कि अगर उस प्रोसेस में कुछ डाउट भी आ रहा है तो वो डाउट पूछ सकता है बिकॉज़ बच्चे को पता है कि कल मुझे जब मैं क्लास में घुसूंगा तो सर को पता होगा कि मैंने होमवर्क किया है नहीं किया है यहाँ से ऑटोमेटिकली वो सेल्फ डिसिप्लिन बनना स्टार्ट होता है और दूसरी बात सच्चाई ये है कि ये जो गैप है ना इंटरेक्शन का वो हमने अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से एकदम खत्म कर दिया है आई एम श्योर कि आपको अब एक बताएंगे कि किस तरह से इनका टीचर के साथ इंटरेक्शन रहता था बिल्कुल जो सर ने बताया कि एल ऑनलाइन से एल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो टीचर के साथ हमारा इंटरेक्शन होता था एकदम ऑफलाइन के जैसे ही होता था फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब क्लास करते थे तब हमेशा वीडियो ऑन करके ही करते थे तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं वो सब टीचर ध्यान से दे फॉलो करते फॉलो करते थे और इसीलिए जो डिस्ट्रैक्शन की बात आपने किया वो डिस्ट्रैक्शन नहीं आता था और मैं कोशिश करता था जो सोशल मीडिया वगैरह है उससे दूरी दूरी रखने के लिए और क्लास करने के समय स्पेशली जो नोटिफिकेशन है उसको मैं स्विच ऑफ कर देता था ठीक है तो टीचर्स जो कि आपको पढ़ाते थे आपने इतनी तारीफ करी टीचर्स की तो अभी हम खड़े हैं एक स्टूडियो के बाहर जहाँ से टीचर जहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं अंदर में यहीं से क्लासेस ली जाती थी तो आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं आपने तो बस वो बोर्ड देखा होगा पैनल जहाँ पे टीचर पढ़ाते थे लेकिन बैक में क्या रहता है पूरा सीन वो आपको दिखाते हैं तो आइए भाई स्टूडियो के अंदर चलते हैं एलन का आइए पूरा सिस्टम दिखाते हैं आपको एकदम ओके पढ़ा रहे हैं सर मैं कमीन ये लाइव तो नहीं चल रहा है नहीं अभी तो तो है। <laughs> बस आपका सर पाँच मिनट लेंगे हम कुछ बच्चे को लेके आए हैं ये जो है टॉपर बच्चा आदे। है आदे। ये आपका ऑल इंडिया रैंक सिक्सटी नाइन आए हैं तो है। इनसे यही बातें हो रही थी कि आपने टीचर्स को भी बस ये इतना सीन में इतना पार्ट में देखा है इसका पीछे का भी देखिए क्या नज़ारा रहता था किस तरीके से टीचर पढ़ाते थे कैसे आपका डाउट्स वगैरह लेते थे वो सारी चीजें आपको जो दिखता है उसके अलावा टीचर्स की कितनी मेहनत है मल्टीमीडिया टीम की कितनी मेहनत है वो सारी चीजें आज आपको दिख रही होंगी कि कितना ज्यादा पूरा सिस्टम एक साथ काम करता है तब जाकर आप तक वो डिलीवर हो पाता है और मैं तो यही देख रहा हूँ की जो टीचर्स मेहनत कर जो टीचर्स इतना हार्ड वर्क करते हैं हमारे लिए वो आ, सिर्फ ये बोर्ड देखकर कुछ समझ नहीं आता ये यह, पे आकर पूरी तरह से यकीन हो रहा है कि हमारे लिए हमारे टीचर्स कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं बेसिकली बच्चे ये तो थो थो ना टू वे है आप हार्ड वर्क करते हो तो हम और हार्ड वर्क करते हैं हम हार्ड वर्क करते हो तो आप हार्ड वर्क करते हो और इसी तरीके से फिर हम रिजल्ट बनाएंगे ना आपका जो ऑल इंडिया रैंक आया वो ऐसी थोड़ी आया आपके भी तो हार्ड वर्क से आया आपने डे नाइट पूरा एक किया अभी तो मज़ा आया ना हम लोग लोगों yes, तो इसमें तो क्या है हम एलन पे मानते हैं सक्सेस पिलर ट्राइंगल जैसे ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स होते हैं ना इसी तरह तीन कॉम्पोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है एक है स्टूडेंट खुद दूसरा उसके पेरेंट्स यानी परिवार उसका जो सपोर्ट ऑनलाइन में घर पर रहते हुए बच्चे को मिलता है और तीसरा टीचर्स यानी पूरा एकेडमिक सिस्टम जो एलन का लगता है इसके साथ ये तीनों मिल जाते हैं ना फिर सक्सेस जो है वो सुनिश्चित हो जाती है तो आप, सही था सर आपने हाँ. इसके पेरेंट्स से भी मेरी बात होती थी अक्सर जैसे ये फोन पे नहीं मिलता था हुँ. तो इसके फादर से मेरी बात होती थी जब ये अवेलेबल हो जाता था अपनी सेल्फ स्टडी खत्म करके तब ये मुझसे बात करता था मैं उनको हमेशा मैसेज ड्रॉप करता था तो एक बिल्कुल एक बिल्कुल पहले करना है ना पहले हम तीनों प्लस चल रहे थे एक साथ और फाइनली वो फाइनली इस के साथ कन्वर्ज हुए हम लोग तो आप जैसे कि देख सकते हैं स्टूडियो में हम यहाँ पे पैनल पे जहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं और सामने में भी एक डिस्प्ले लगा हुआ है जहाँ पे बच्चों की जब लाइव चलती है हाँ, तो, तो यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह बच्चों के आ जाते हैं या बच्चे दिखते होंगे दिखते हैं क्वेश्चन आते हैं चैट्स भी आती होंगे ठीक है तो हम चैट्स में भी रिप्लाई करते तो हैं बच्चे चैट्स में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और बच्चों को हम दिख भी जाते हैं तो बहुत अच्छे से बच्चे का पूरा टाइल दिखता है हमें अच्छे से और कैमरा से वो रिकॉर्डिंग लाइव होनी है या जो भी होना है वो सब बच्चों तक पहुंचते रहता है तो देख लिया आपने हाँ। आपको बस पैनल दिखता था आप देखो <laughs> क्या क्या चीजें सेटअप है कैसा <laughs> लगा हाँ। सिस्टम देख के हाँ, बहुत लगा? ही अच्छा लगा और जो इसमें एंड द हार्ड वर्क ऑफ द टीचर इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन एवरी पार्ट ऑफ द स्टूडियो अच्छा क्या बात वेरी नाइस सर एल ऑनलाइन में क्या यूनिक कर रहा है क्या अलग कर रहा है सर देखिए uh, एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कोई भी एडटेक कहने के लिए टेक्नोलॉजी तो रखते हैं लेकिन एजुकेशन में क्या करना है इसके लिए उनके पास पिछला कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ही नहीं है एलन के पास जो पिछले थर्टी फाइव ईयर्स के लेगेसी का एक्सपीरियंस है उसको सोचते हुए टॉपर्स से हमने बात करी हमारे जितने भी अभी तक है फैकल्टीज से बात करी पेरेंट्स से बात करी और समझा कि बच्चों की अकेडमिक ग्रोथ के लिए एक्चुअली ऐसे क्या फीचर्स हैं जिसको हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं उदाहरण के लिए मैं बात करता हूँ एक इंप्रूवमेंट बुक करके फीचर है अविक ने भी यूज़ करा है बताएंगे आपको तो उसके अंदर क्या है मोस्टली क्या होता है आपने भी तैयारी करी थी हमने भी तैयारी करी थी जब कोई क्वेश्चन हमसे नहीं होता डाउट होता है तो अपन स्टार मार्क कर लेते हैं कि बाद में इसको रिवाइज करेंगे होता क्या है कि स्टामार करते करते धीरे धीरे हम जब रिवाइज करने का टाइम आता है तो वो सारे क्वेश्चन या तो शीट में है

क्लियरिटी दे सकते हैं सब्जेक्ट फील होता है बेसिकली क्या होता है जैसे बताया एक डेटाबेस मैनेजमेंट वाला प्रिंसिपल आ गया इसमें अब इम्प्रूवमेंट बुक में क्या है उसका सारा के सारा जेटा है वो मैनेज है अब टेक्नोलॉजी के थ्रू इसके संग एक और फीचर जैसे है, हमारे साथ है वो कस्टमाइज़ द टेस्ट अब बच्चे ने कोई प्रॉब्लम आई उसको उतना अच्छे से नहीं हुआ उसने उस पर मेहनत की अब वो चाहता है उसी टॉपिक्स को रिवाइज करे थ्रू प्रॉब्लम प्रैक्टिस तो वो भी वो कर रहा है हमारे इसके साथ ये आप फीचर्स ऐसे मतलब बिल्कुल एलन का जो हम कहते हैं ना वो हमारी जो लेगेसी चली आ रही है थर्टी फाइव थर्टी सिक्स ईयर्स की वो इसको हम लोगों को पूरा एम्बाइब करके जा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी से पूरा हमने एम्बाइब किया हुआ है और बहुत बढ़िया उससे एनर्जी बन रही है और सबसे अच्छी बात क्या है ना जितने भी फैकल्टीज हैं हर बच्चे को एक मेंटर असाइन हो जाता है और उस मेंटर की जिम्मेदारी है कि बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत आए वो उनके साथ ट्वेंटी फोर सेवन खड़ा है आप अविक से भी बात करेंगे अविक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब भी कोई दिक्कत आती थी क्या फैकल्टी आपके साथ अवेलेबल थे किसी भी दिक्कत को आपको सॉल्व करने के लिए ऑफ कोर्स um, जो यहाँ पे मेरे हमारे साथ गौरव शर्मा सर है वो मेरे मेंटर थे और दूसरे भी बहुत सारे फैकल्टी हेल्प uh, किया और uh, जब भी कोई प्रॉब्लम होता था दिक्कत होता था तब uh, स, ए, ए, एकदम पूरा हेल्प मिलता था हंड्रेड परसेंट हेल्प एल के से तो uh, एक तरह से uh, जो भी टॉपिक है चैप्टर्स है क्या उन सब पे अच्छे से क्लियरिटी थी आपकी टीचर ने सब अच्छे से पढ़ाया एकेडमिक पार्ट कैसा रहा आपका एल ऑनलाइन के साथ बिल्कुल जो डाउट्स वगैरह थी आ, सेल्फ स्टडी के समय वो एल ऑनलाइन के क्लास में क्लास में वे डाउट पूछना कितना ईजी बिल्कुल डाउट पूछना तो बहुत ईजी था जस्ट आई आई यूज आई यूज टू मतलब जो जिस सब्जेक्ट का डाउट है जिस टॉपिक में उस उस सब्जेक्ट के टीचर को मैं व्हाट्सएप में भेज देता था, था वो आ, उसी वक्त रिप्लाई दे देते दे दे थे और लाइव क्लासेस के वक्त भी आ, हम डाउट पूछ सकते थे डायरेक्टली या चैट में लिख करके तो डाउट पूछना बहुत ईजी था और उसका रिप्लाई भी एकदम जल्दी जल्दी आ जाता था तो आ, कौन सा अभी आपका ड्रीम कॉलेज है अब तो सिक्सटी रैंक आ गया एडवांस में अब मैं आई आई बेंगलोर में जाऊँगा वहाँ से वहाँ से फ़िज़िक्स में बी एस एम एस करके मैं एस्ट्रोफिजिक्स में पी एच डी करना चाहता हूँ

तो भैया देख लो एलन ऑनलाइन का बच्चा है जई एडवांस में रैंक सिक्सटी नाइन लाया है नीट में सात सौ बीस में सात सौ पाँच लाया है विदाउट ग्रेसिंग ठीक है और वेस्ट बंगाल जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है ट्वेल्थ का उसमें टॉप मारा है तो भाई गजब कर दो यार आप वेरी नाइस nice. यही वो सरप्राइज़ है जो मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में बोला था और एक बात और ऐड करते हैं जब बात चल रही है वेस्ट बंगाल जई जो एग्ज़ाम है उसके अंदर भी इस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक सेवन आई मतलब जिस एग्जाम को भी इसने दिया वो उसने क्रैक किया और सर भी बोला ना अर्जुन की आँख इसको पता था आई एस सी बेंगलोर में अगर मुझे एडमिशन लेना है तो जे मेन के थ्रू भी होता है नीट के थ्रू भी होता है जे है एडवांस के थ्रू भी होता है इसने तीनों एग्जाम क्रैक किए वो वो अर्जुन की आँख उसको वही चीज़ दिख रही थी शुरुआत थ्रू शुरू शुरु से लेकर एंड तक मुझे आई एस सी बेंगलोर जाना है किसी भी रूट से जाना हो और हर रूट से इसके लिए एंट्री खुल गई और मेरा मानना है किसी भी बच्चे ने अपना गोल तय कर लिया हो सकता है किसी का गोल है कि मुझे आई बॉम्बे जाना है सी लेनी है भिल्कुण। तो बिल्कुल ये अपने आप में एक रोल मॉडल है इंस्परेशन है उन सारे बच्चों के लिए कि एक गोल तय कर लो और उस पर दिल जान लगा दो जब ये बच्चा दो दो जे और नीट जैसे दो एग्जाम क्रैक कर सकता है तो आई एम वेरी श्योर हर बच्चा अगर एक सिंगल गोल रखेगा अगर उसका आईआईटी का गोल है नीट का गोल है और अगर इतनी बड़ी एस्पिरेशन है कि मुझे रिसर्च भी करनी है तो डेफिनेटली उसको साकार कर सकता है तो आपको देख के बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे एलन ऑनलाइन कितना उनको रिकमेंड करोगे आप बिल्कुल बहुत रिकमेंड करूँगा क्योंकि मैंने भी बहुत हेल्प पाया है एलन ऑनलाइन से चलिए तो ये रहा आज का हमारा पूरा वीडियो एलन ऑनलाइन का इससे पहले भी हमने वीडियो सर के साथ कवर करा था हमने देखा होगा और इस बार तो और अच्छा हो गया क्योंकि एलन का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है एडवांस में बहुत सारे टॉपर्स है इनफैक्ट ऑनलाइन से भी इन्होंने भी, इन भी इतना अच्छा परफॉर्म करा है तो चलिए ऑल द बेस्ट आपको बेस्ट विशेष फॉर योर फ्यूचर राइट थैंक यू सर थैंक यारू थैंक फॉर जॉइनिंग सर थैंक्स फॉर वॉचिंग और भी कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल करें सब्सक्राइब है